हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल टुडे। होप सब सही हो। पहले मैं कह दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। नीचे के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो आ जाता आज के वीडियो के ऊपर। आजकल मैं वीडियो थोड़ा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को वक्त दे रही हूँ और आप तो जानते ही हैं, अगर डिज़ाइन बनाना है तो दिमाग से बनाना होता है और इसी वजह से मैं थोड़ा डिले करती हूँ वीडियो डालने में। आजकल मैं रेगुलरली वीडियो नहीं डाल रही हूँ, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाह रही हूँ। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालना चाहिए या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और रही बात आज के डिज़ाइन के ऊपर, आज का डिज़ाइन काफ़ी क्रिटिकल रहा और मुझे काफ़ी वक्त लगा इसको बनाने में, क्योंकि मैं बहुत स्लो काम करती हूँ, क्योंकि मुझे काम अच्छा चाहिए इसी वजह से मैं काम स्लो करती हूँ। और आज मेरे मेहंदी कोन में कुछ इशू था, बिकॉज़ जो मैं मेहंदी पेस्ट यूज़ कर रही थी वो कुछ ख़ास नहीं था एंड वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, तो इसी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हुई और वक्त भी काफ़ी लगा। और ये डिज़ाइन जो है, आज का मेरा डिज़ाइन गर्ल्स और खिलजी ब्राइडल है। यस, गर्ल्स खिलजी ब्राइडल दिखाई नहीं देता, बहुत कम लोग करते हैं, मगर हमारे इंडिया में ये कुछ ख़ास पॉपुलर नहीं है। तो मैंने खिलजी में पीकॉक वगैरह नहीं होते, तो मैंने उसमें पीकॉक ऐड किया खिलजी स्टाइल में और गर्ल्स स्टाइल में। तो ये कुछ नया बनाने की सोच रख के मैं चल रही थी, तो मैंने सोचा कि खिलजी में पीकॉक डाल दिया जाए। तो मैंने कोशिश किया था कि डालूं, तो मैंने डाला। और आप बताना कि ये गर्ल्स स्टाइल में कैसा लग रहा है पीकॉक के साथ। और मैंने ब्राइड भी बनाया है इसके साथ, तो वो अंत में जाके आप लोगों को दिख ही जाएगा, पूरा वीडियो देखोगे तो दिख जाएगा। तो आज का मेरा मोटिव यही था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, क्योंकि हर रोज़ का जो डिज़ाइन आ रहा था मेरा वो कुछ कॉमन हो जा रहा था उसमें, तो मैं थोड़ा सा कुछ हटके करना चाहती थी। और अपने प्रैक्टिस के लिए भी मैं एलिमेंट्स ढूंढ रही थी, सो मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना गल्फ और खिलजी दोनों को मिक्स करके कोई ब्राइडल डिज़ाइन बनाया जाए, क्योंकि ये वेडिंग सीज़न है। तो ये जो गल्फ स्टाइल है ये जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या करना होता है कि सिर्फ ड्रॉ करो और उसको बोल्ड करो, तो इसमें इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेट डिज़ाइन होते हैं तो इतना छोटा काम नहीं होता इसमें, जो भी होता है बड़ा बड़े काम होता है उसको बड़े अच्छी तरीके से फील कर देते हैं। और डॉट्स, छोटे बड़े डॉट्स का यूज़ करते हैं और फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, पूरा फ्लोरल अरेंजमेंट के साथ, बोल्ट किस्म के फ्लोरल अरेंजमेंट के साथ ये डिज़ाइन बनता है, तो ईजीली बन जाता है। तो आज का मेरा डिज़ाइन जो है, बनाते बनाते काफ़ी देर हो गई, तो काफ़ी हद तक सूख गया था और उसके बाद मैंने इसका वीडियो क्लिप लिया था। तो आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा आपको और आज का डिज़ाइन कैसा लगा, अच्छा था बुरा था, जो भी है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मैं कोशिश करूँगी, अगर कुछ कमी रह गई हो तो नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा करने की। तो आज मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।